नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? ऑप्शन है एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वह था रेड ड्रैगन। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, रेड ड्रैगन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग सबसे पहले किसने खोजा था? तो खोजा था पुर्तगालियों ने। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, पुर्तगालियों ने खोजा था। तीसरा क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम क्या था? आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि जब वास्को डिगामा भारत आया था कालीकट पर, तो उसका जो स्वागत किया था जो वो जमोरिन ने किया था। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, जमोरिन। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। तो भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। पांचवा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी वह किया गया था 1699 ईस्वी में। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, 1699 ईस्वी में। छठा क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन है गुरु दासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वह था तलवंडी। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, तलवंडी। सातवां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? सच्चा बादशाह किस सिख गुरु ने स्वयं को कहा था, आपको बताना है। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, डी है गुरु अर्जुन देव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। आठवां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ऑप्शन है मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिंक, हेस्टिंग्स, ऑकलैंड। तो जिस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था वह थे विलियम बेंटिक। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा, विलियम बेंटिक। नौवां क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था सआदत खां। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा, सआदत खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दसवां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है मगध, हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर। तो जो टीपू सुल्तान था वह था मैसूर का शासक। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वह था सिराजुद्दौला। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। 12 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है गोवा, कालीकट, कन्नौर, कोचीन। तो पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में पाए जाते हैं गोवा के तट पर। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, गोवा के तट पर पाए जाते हैं पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष। अब इधर संस्कृति और सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, नागपुर, अहमदाबाद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का जो स्थापना किया था 1875 ईस्वी में वह बम्बई में किया था। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, बम्बई में। 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। तो 14 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्न में से कौन थे?
ऑप्शन है स्वामी दयानंद, आर जी भंडारकर, ईश्वर चंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे। तो औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अभी ये क्वेश्चन हुआ है तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। 16 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विवेकानंद रामकृष्ण, एम जी रनाडे, केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे विवेकानंद जी ने, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विवेकानंद, ये इनके गुरु थे रामकृष्ण। 17 नंबर क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने, तो 17 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। 19 नंबर क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो नए भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे आपको बताना है, 20वां क्वेश्चन है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, तो 20 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग, आत्मा से प्रार्थना, यानी कि प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? ऑप्शन है जात प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजित किया था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सती प्रथा के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोदय का आशय क्या है? ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान, अहिंसा। तो सर्वोदय का जो आशय है वह है सबका उत्थान, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, सबका उत्थान। 23 नंबर क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबा वाला, ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने किया था, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। 24 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, बी जी तिलक, बी डी सावरकर। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं वी डी सावरकर, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, वी डी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? नाम से भी पता है आपको, दादाजी के नाम से जाना जाते थे दादा भाई नरोजी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नरोजी दादाजी के नाम से जाने जाते थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है महान नोबिस, दादा भाई नरोजी, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड सिन्हा, एस एन टैगोर, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, तो 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी जी ने, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 29 नंबर क्वेश्चन है, गांधी को क्या माना जाता है? ऑप्शन है दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी, फेबियनवादी।
तो गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावादी। तीस नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं यह किसने कहा था? महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चर्चिल। 31 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ऑप्शन है रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवद गीता, कुरान शरीफ। तो जिस धार्मिक ग्रंथ को गांधी जी ने अपनी माता कहा था वह था भगवत गीता, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागवत गीता। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादक गांधी जी ने किया था? तो आपको भी पता होगा कि गांधी जी ने जिस समाचार पत्र का संपादन किया था वह था नवजीवन, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नवजीवन। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह कथन किसका है? ऑप्शन है गांधी जी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह कहा था लोकमान्य तिलक जी ने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय अशांति का जनक जिसे कहा जाता है वह है बाल गंगाधर तिलक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है रविंद्र टैगोर, मधुसूदन दत्त, दीनबंधु बंकिमचंद्र चटर्जी। तो जो उपन्यास था नील दर्पण उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त जी ने, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुसूदन दत्त। फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के पद से कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है एम के गांधी, अब्दुल वली खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो 36 का सी ऑप्शन हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रपिता जिसने संबोधित किया था पहली बार वो थे सुभाष चंद्र बोस, तो 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये तो इनकी लिखी हुई पुस्तक है, हरिजन भी है और है हिंद स्वराज भी, यानी कि द हाली फैमिली ये नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा नहीं है वह है द हाली फैमिली, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? ऑप्शन है प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्रा, सुब्रमण्यम भारती। तो ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण को लिखा है दीनबंधु मित्रा ने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीनबंधु मित्रा। 40 नंबर क्वेश्चन है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है चौर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के जिस विद्रोह का उल्लेख किया गया है वह है सन्यासी विद्रोह, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। 41 नंबर क्वेश्चन है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्षन है अलीपुर बम मामला या हावड़ा षड्यंत्र मामला। जी बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, 41 का ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अलीपुर बम मामला या हावड़ा षड्यंत्र मामला में अरविंद जी को गिरफ्तार किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकारा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, डिजरेली। तो जिस ब्रिटिश व्यक्तियों में से जिसने यह स्वीकारा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था वह था डिजरेली, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिजरेली। 43 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? ऑप्शन है वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष।
तो लाहौर षड्यंत्र मामला जिसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था वह था भगत सिंह, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा भगत सिंह। 44 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, जय राजगुरु और सुखदेव इन तीनों लोगों को फांसी दिया गया था, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा 23 मार्च 1931। 45 नंबर क्वेश्चन है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का जो स्थापना किया था वह किए थे लाला हरदयाल ने, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा लाला हरदयाल। 46 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? ऑप्शन है बैरमपुर में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में जो पहली गोली चलाई थी वह चलाई थी बैरमपुर में, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा बैरमपुर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शाह कौन था? ऑप्शन है अंतिम लोधी शासक, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक। तो जो बहादुर शाह था वह अंतिम मुगल शासक था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 49 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है रामचंद्र पांडुरंगा, धोतू पंत, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो नाना साहब का दूसरा नाम था धोतू पंत, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा धोतू पंत। 50 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को कहाँ घोषित किया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में। तो सरकार का कंपनी से सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को जहां घोषित किया गया था वह था इलाहाबाद, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा इलाहाबाद। दोस्तों अब इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे कल। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।